आपका जन्म पितृ पक्ष के दौरान हुआ है तो आपको शास्त्रों में बताई गई ये महत्वपूर्ण बातें अवश्य जान लेनी चाहिए। दोस्तों, प्रतिवर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से पितृ पक्ष का आरंभ होता है। माना जाता है कि पितृ पक्ष में सभी पितृगण पितृलोक से अपने प्रियजनों को मिलने के लिए धरती पर पधारते हैं। सभी मनुष्य अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध कर्म, तर्पण तथा दान धर्म आदि कार्य करते हैं ताकि उनके पितृदेव उन पर प्रसन्न होकर आशीर्वाद प्रदान करें। श्री कृष्ण के अनुसार पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने वाला मनुष्य कभी अधोगति नहीं करता है, उसकी सदैव ही उन्नति होती है। इसीलिए कोई भी महत्वपूर्ण कार्य शुरू करने से पहले अपने बुजुर्गों का तथा पितरों का आशीर्वाद लिया जाता है। आपको बता दें कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में मनुष्य के संपूर्ण जीवन चक्र को 16 संस्कारों में बांधकर उन्हें शास्त्रों के अनुसार विधि विधान से इनका पालन करने के बारे में ज्ञान दिया गया है। गर्भधान से लेकर अंतिम संस्कार तक ये सभी कार्य संपन्न किए जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जो भी मनुष्य जन्म लेता है उसके ऊपर तीन प्रकार के ऋण होते हैं। वो ऋण इस प्रकार है, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। मनुष्य पूजा पाठ करके देव ऋण से मुक्त हो जाता है, दान धर्म और शास्त्रों का अध्ययन करके वो ऋषि ऋण से मुक्त होता है, और तीसरा ऋण वो पितृ पक्ष में अपने पितरों के लिए कर्म कांड करके उतार देता है। जो भी मनुष्य इन तीन प्रकार के ऋणों को नहीं उतारता उसे भयंकर दुख और संताप का सामना करना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी मनुष्य के जन्म की तिथि और समय पहले से ही निर्धारित होता है और जन्म से पूर्व ही उसके मृत्यु का समय और तिथि भी उसके भाग्य में लिख दी जाती है। ये सब कुछ उसके पिछले जन्म के कर्म के आधार पर तय किया जाता है। इसीलिए शास्त्रों के अनुसार व्यक्ति के जन्म की तिथि और समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस तिथि पर उसका जन्म होता है उसी तिथि के अनुसार उसका भाग्य जुड़ा होता है। इसीलिए आज हम जानने वाले हैं पितृ पक्ष में जन्म लेने वाले व्यक्ति का भाग्य और स्वभाव कैसा होता है, तो चलिए जान लेते हैं। क्या पितृ पक्ष में जन्म लेने वाले बच्चे बहुत खास होते हैं? क्या उनके अंदर कोई अद्भुत या विलक्षण शक्ति होती है? सबसे पहली बात, पितृ पक्ष के दौरान मनुष्य की पिछली तीन पीढ़ियों के पितृगण उसके घर में पधारते हैं और पितृ पक्ष के दिनों में किसी बालक का जन्म होता है तो उसे इन महान आत्माओं का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इसी कारण से ये बालक अधिक समझदार और बुद्धिमान होते हैं। दूसरी बात, पितृ शक्ति जीवन भर साथ देती है। जिन लोगों का जन्म पितृ पक्ष के दौरान होता है तो पितृ शक्ति जीवन भर उसके साथ रहती है और नकारात्मक और बुरी शक्तियों से उनकी रक्षा करती है। ऐसे लोग जीवन में कभी कभी ऐसे कार्य कर जाते हैं जो अन्य साधारण लोग नहीं कर पाते। तीसरी बात, जिस व्यक्ति का जन्म पितृ पक्ष में होता है उनके अंदर लीडर बनने की क्षमता होती है। बचपन से ही समझदारी से और सोच विचार करके प्रत्येक कार्य करने की इनकी आदत होती है और इसी के चलते लोग इनका सम्मान करते हैं। चौथी बात, जिस स्त्री अथवा पुरुष का जन्म पितृ पक्ष में होता है वो लोग अपने जीवन में कभी हार नहीं मानते। चाहे कितनी ही मुश्किल परिस्थिति आ जाए ये उसका सामना हिम्मत से करते हैं। ऐसा करने के पीछे उनके अंदर मौजूद पितृ शक्ति होती है जो उनके मन को ताकतवर बना देती है। पांचवी बात, परोपकार करना। पितृ पक्ष में जन्मे लोग परोपकारी होते हैं। ये सदैव ही दान धर्म आदि कार्य करते हैं। इन्हें दूसरों की सहायता करना, भूखों को भोजन कराना अत्यंत प्रिय होता है। ये अपने द्वार पर आए प्रत्येक प्राणी को भोजन अवश्य कराते हैं। ये गुण उनके अंदर पितरों की कृपा से ही प्रकट होता है। छठी बात, पितृ पक्ष में जन्मे लोग अपने परिवार के प्रति निष्ठावान होते हैं। ये संकट की घड़ी में कभी परिवार का साथ नहीं छोड़ते, किसी चट्टान की भांति परिवार की रक्षा के लिए खड़े होते हैं। पितृ पक्ष में जन्म लेने वाला व्यक्ति बड़े बुजुर्गों का सदैव ही सम्मान करता है, उनकी आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं करता। ऐसे व्यक्ति अपने माता पिता को कभी कष्ट में नहीं डालते हैं। आठवीं बात, यदि किसी व्यक्ति का पितृ पक्ष में जन्म होता है और उसका मुख उसके किसी पूर्वज के समान दिखाई देता है तो ऐसे व्यक्ति को पुण्य आत्मा कहा गया है। ऐसा व्यक्ति संसार में कीर्ति पाता है और बड़े कार्य करता है। नौवीं बात, पितृ पक्ष में जन्म लेने वाले लोग बुद्धिमान, कार्य कुशल और चतुर होते हैं। ये अपने पितरों की कृपा से कुल का गौरव बढ़ाते हैं। इनका स्वभाव अत्यंत दयालु और परोपकार करने वाला होता है। ये सदैव ही धर्म के मार्ग पर चलते हैं और कभी किसी का अहित नहीं करते। इन लोगों के अंदर कपट, अहंकार, ईर्ष्या आदि प्रकार के दुर्गुण नहीं होते। ये सभी लक्षण मनुष्य के अंदर उसके पितृदेव की कृपा से ही आते हैं।
ये लोग अपने परिवार को सुखी और समृद्ध बनाते हैं। तो दोस्तों, क्या आपका भी जन्म पितृ पक्ष में हुआ है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को पितरों के श्राद्ध के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। हिंदू धर्म में पितृ पक्ष का बहुत ही अधिक महत्व होता है। पितृ पक्ष में जो मनुष्य अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध कर्म करता है वो श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति करता है। इसी कारण से पितृ पक्ष को श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। यदि पितृ पक्ष के महीने में आपके घर पर ये तीन प्राणी आते हैं तो इन्हें शुभ संकेत समझना चाहिए। आपके पितृगण आपके द्वारा किए गए श्राद्ध और पिंड दान से अत्यंत संतुष्ट है, वो आपको आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। माना जाता है कि मृत्यु के पश्चात मनुष्य जो शरीर प्राप्त करता है वो वायु रूप में होता है, उसे कोई भी मनुष्य देख नहीं पाता। ये वायु रूपी शरीर प्राणियों के माध्यम से पृथ्वी लोक पर भ्रमण करता है। इसीलिए कहा जाता है कि पितृ पक्ष में द्वार पर आए किसी भी प्राणी का अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर आपके पितरों का वास होता है। तो चलिए जान लेते हैं वो कौन से प्राणी हैं जिनका पितृ पक्ष में घर पर आना बहुत ही शुभ माना जाता है। सबसे पहला प्राणी है कौआ। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य के पूर्वज कौए का रूप धारण करके अपने प्रिय जनों को मिलने के लिए पधारते हैं। पितृ पक्ष के दौरान यदि किसी पीपल के वृक्ष पर कौआ बैठा हुआ दिखाई दे तो इसे बहुत ही शुभ संकेत समझना चाहिए। यदि कोई कौआ पितृ के श्राद्ध के दिन आपके घर पर आकर बोलने लगता है, आपके द्वारा दिया गया भोजन और जल ग्रहण करता है, तो ये सभी संकेतों में श्रेष्ठ फल देने वाला संकेत है। आपके पितृगण आपसे अत्यंत संतुष्ट हैं, आपके दिए हुए सम्मान और भोग से वो प्रसन्न है और आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, ऐसा समझना चाहिए। पितृपक्ष में कौए का घर पर आकर भोजन ग्रहण करना ये संकेत है कि आपके जीवन में सभी समस्याओं का अंत होने वाला है और आपके जीवन में खुशियां आने वाली है। किंतु अगर पितृपक्ष में कोई कौआ आपके घर पर आकर जोर जोर से चिल्लाने लगे तो आपको समझना चाहिए कि आपसे आपके पितृगण बहुत ही नाराज है। आपको उनकी संतुष्टि के लिए श्राद्ध कर्म करने चाहिए, अन्यथा पितृ दोष से भयंकर स्थिति उत्पन्न होती है। दूसरा प्राणी है कुत्ता। अगर पितृपक्ष में श्राद्ध तथा पितरों की पूजा के दौरान द्वार पर कोई कुत्ता अचानक ही प्रकट हो जाता है तो ये बड़ा ही शुभ संकेत है। आपके पितृ कुत्ते के माध्यम से आपको आशीर्वाद प्रदान करने आए हैं। द्वार पर आए कुत्ते के साथ बुरा व्यवहार ना करें और गलती से भी डंडे से ना मारें, अन्यथा आपके पितृदेव रुष्ट हो जाएंगे। द्वार पर आए कुत्ते को नमस्कार करके उसे भोजन कराएं, आपके पितृ आपसे अवश्य संतुष्ट हो जाएंगे। पितृपक्ष के दिनों में द्वार पर कुत्ते का आना ये संकेत है कि आपके समस्त दोषों का नाश हो गया है और अब आपके जीवन में सब कुछ मंगल होगा। तीसरा प्राणी है गाय। यदि पितृपक्ष में द्वार पर गौ माता आती है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। गाय के रूप में आने वाले पितृ बहुत ही पुण्यवान होते हैं। आपके पूर्वजों ने अपने जीवन में बहुत पुण्य कमाए हैं। यदि वो गाय के रूप में आपके द्वार पर प्रकट होते हैं तो इसे सुख समृद्धि का संकेत समझना चाहिए। इसीलिए द्वार पर आई गौ माता का अपमान ना करें, उनका आदर करें और नमस्कार करके उन्हें भोग चढ़ाएं। द्वार पर आई गौ माता को हाथ जोड़कर अपने मन की कोई इच्छा प्रकट करें, आपकी वो इच्छा अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी, इसमें संदेह नहीं है। यदि आप द्वार पर आई गौ माता को मीठी रोटी खिलाते हैं तो कई गुना अधिक शुभ फल प्राप्त होंगे। चौथी बात, यदि पितृपक्ष के दिनों में आपके सपने में कोई जानवर मनुष्य की वाणी में बोलता हुआ दिखाई दे तो इसे बड़ा ही अशुभ संकेत समझना चाहिए। ये संकेत है कि आपके पितृ आपसे बहुत दुखी है, उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली है। ऐसे में आपको पितरों का श्राद्ध और तर्पण करना चाहिए ताकि आपके पितरों को मुक्ति मिल सके। तो दोस्तों, इस तरह से प्राणियों के माध्यम से आप जान सकते हैं कि आपके पितृ आपसे प्रसन्न है या नहीं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव। जय महाकाल।